अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रायता। तो रेसिपी जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें आलू लेना होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 आलू लिए और उसे धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया जो आलू से थोड़ा ऊपर हो गया, और मैंने इसे पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर मैंने प्याज इस तरह से काटे, बारीक बारीक प्याज मैंने काट दिए हैं और इसे पानी में डाल दिया। साथ ही थोड़ा नमक इसमें डाल दिया ताकि इसका जायका सही से आए। उसके बाद जब हमने प्रेशर कुकर खोला तो यहाँ पे आलू अच्छे तरीके से पक चुके थे। यहाँ पे आलू बिल्कुल नरम हो चुके थे और हमने इसे प्रेशर कुकर से निकाल दिया कि थोड़े ठंडे हो जाए। उसके बाद मैंने 3 से 4 खीरे लिए, वो भी इस तरीके से बारीक काट दिए। अब मैंने आलूओं को पील कर दिया है और उन्हें भी इस तरह से काट दिया है और उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़े करूँगी। यहाँ पे मैंने आलू, खीरा और प्याज सब इस तरह बारीक बारीक काट दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने जीरा लिया और इसे थोड़ा तल लिया। अब यहाँ पे मैं दही लूँगी। दही लेने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी, प्याज, आलू और खीरा। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर देना है। 2 चम्मच नमक ऐड करने के बाद जो हम लोगों ने ज़ीरा थोड़ा सा तला था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का रायता रेडी हो चुका है। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।